Hello students, this is Rajiv and you are learning on IIM Secondary. So now we are going to do one of the most important example of this exercise as well as chapter. यही same question बेटा आपको दिया हुआ है example में. तो बहुत ही important question है, ध्यान से समझना, ठीक है? और अगर कुछ problem हो तो आप comment में बता सकते हैं. पहले एक बार example पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है in triangle OPQ, right angle at P. OP is 7 cm and OQ minus PQ is equals to 1 cm. Determine the values of sin Q and cos Q. तो बेटा मैंने पहले यहां पे लिखा हुआ है, समझ लेते हैं क्या करना है भाई. उन्होंने बेटा हमें दिया हुआ है ट्राइंगल QPO, राइट एंगल दिया हुआ है P पर, ठीक है? और हमसे पूछा है बेटा sin Q एंड cos Q. अगर बेटा Q की बात करें तो Q के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो Q के सामने वाली साइड होती है बेटा क्या, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज. और जो बेटा साइड जिसपे दोनों एंगल्स बने हुए होते हैं या फिर जो साइड रह जाती है वो क्या होते हैं, बेस, ठीक है? अब बेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है OP 7 सेंटीमीटर और यहां पर दिया हुआ OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर. मतलब कि जब आप हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस करेंगे तब आंसर कितना आएगा, 1. कहने का मतलब अगर ये बेटा हुआ 25 और ये हुआ 24 तो जब आप माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा ना. तो ना ही वैल्यू दी हुई है बेटा आपको PQ की और ना ही दी हुई है बेटा आपको OQ की, ठीक है? ये बेटा दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस, मतलब कि माइनस करने के बाद. तो देखो इधर क्या बेटा, मैं यहां से OQ की वैल्यू निकाल सकता हूं. OQ की बेटा वैल्यू कैसे आएगी, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, ठीक है? तो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं OQ की जगह पर क्या पुट करूंगा, 1 प्लस पी, ठीक है? अब देखो इधर इन ट्राइंगल QPO, क्योंकि बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेटा एच क्या है वहां पर, ओ क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, परपेंडिकुलर क्या है पीओ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बेस कितना है पी क्यू का. अब देखो इधर OQ की वैल्यू मैंने क्या बोला था, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 प्लस PQ भी पुट कर सकता हूं. क्यों, क्योंकि बेटा देखो OP की वैल्यू तो हमें दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर प्लस PQ की वैल्यू मैं एज इट इज रखूंगा. देखो अगर मैं यहां पे दो अलग अलग वैल्यूज को रखूंगा तो उनको मैं एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर दोनों PQ की टर्म्स में हुए तो उसको मैं एड भी कर सकता हूं, जरूरत पड़ी तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं और डिवाइड भी कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं. तो मैं चाहता हूं सेम वैल्यूज में, अगर मुझे यहां से P की वैल्यू मिल गई, PQ की वैल्यू, तो मैं यहां पर पुट करूंगा उसमें 1 ऐड करूंगा और मुझे OQ की वैल्यू मिल जाएगी. तो देखिए PQ को चेंज नहीं करना है, PQ को ऐसे रहने दीजिए. यहां पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा कितना 49, पी क्यू एज इट इज. अब देखिए जरा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर 49 माइन प्लस पी क्यू का स्क्वायर. अब देखिए 1 को और पी क्यू को मैं उधर लेकर जा रहा हूं तो क्या होगा, 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर. देखिए ये यहां पर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस. देखिए PQ के स्क्वायर से PQ का स्क्वायर गया, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आएगा आपका कितना 48, ठीक है? अब देखिए इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो PQ की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया बेटा 24.
तो PQ की वैल्यू बेटा कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब मुझे जरूरत है बेटा किसकी, OQ की। तो OQ की वैल्यू कैसे आएगी, 1 प्लस PQ। OQ एज इट इज 1 प्लस PQ, PQ बेटा कितना है 24, तो 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25। अब बेटा मेरे पास आ चुका है हाइपोटेन्यूज, मतलब कि OQ कितना 25 सेंटीमीटर। अब बेटा मेरे पास PQ भी आ चुका है, कितना 24। देखो अगर 24 एंड 25 में से आप 24 को माइनस करेंगे आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये चीज चेक भी कर लिया करो, कई बार जिस तरह कैलकुलेशन हो जाती है और कुछ भी वैल्यूज आ जाती है और हमें लगता है आंसर ठीक है, जो रिलेशनशिप बेटा दी गई है उसमें यूज करो। ठीक है, देखो OQ कितना 25, ये कितना 24, माइनस करोगे आंसर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब बेटा मैं मुझे वैल्यू बतानी है साइन क्यू की और कॉस क्यू की। साइन क्यू का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, पी ओवर एच। अब इस ट्राइंगल में देखो पी की वैल्यू बेटा कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला बी ओवर एच, बी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू कितनी है 25। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और यही सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में 8.1 में, वहां पर माइनस की जगह प्लस दिया हुआ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में से कुछ आने के चांसेस हैं और अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो यही देंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। और बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ एंड विद योर कजन्स टू जो क्लास 10th में है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट।